क्रांति स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले दीक्षा भूमि, जो नाग नदी के तट पर एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दुनिया के नक्शे पर अपना अस्तित्व चिन्हांकित कर रही है। यह दीक्षा भूमि मानवता का प्रतीक है और करोड़ों बौद्ध अनुयायियों का प्रेरणा स्थल। इस भूमि का अपना भौगोलिक ऐतिहासिक महत्व है, किंतु धार्मिक क्रांति के लिए इस भूमि को संपूर्ण विश्व में दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। सासठवे धर्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त सर्व भारतीयांना हार्दिक शुभेच्छा, आणि ज्यामध्ये सर्व बौद्ध बांधव या ठिकाणी येतात आणि इथून नवीन ऊर्जा घेऊन आपापल्या गावी परत जातात आणि त्या नवीन ऊर्जेने पूर्ण वर्षभर आपल्या जीवनाचे कार्य ते उत्साहाने पार पाडतात आणि बौद्धाच्या मार्गावर आपलं जीवन जगतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने इसी पवित्र भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तभी से यह पवित्र भूमि दीक्षा भूमि के नाम से पहचानी जाती है। बाबा साहेब आंबेडकरांनी 14 ऑक्टोबर 1956 ला जेव्हा बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली, दीक्षा घेतल्यानंतरचा जो अनुयायी समाज आहे तो या ठिकाणी येत असतो। आज आपण संपूर्ण राज्यामध्ये आणि देशामध्ये बुद्ध धम्माची जी झालेली वाताहत आहे ही पाहत आहोत। इला जर थांबवायचा असेल तर बौद्ध धम्माला मानणारा शासक निर्माण झाला पाहिजे, कारण मान्यवर साहेब कांशीराम साहेब म्हणायचे, मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत। आणि सम्राट अशोकाच्या नंतर या देशामध्ये बौद्ध धम्माला जर खऱ्या अर्थाने कोणी दिशा आणि गती देण्याचं काम केलं असेल तर ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं। म्हणजेच बाबासाहेबांनीच सम्राट अशोकाच्या स्वप्नातला भारत उभा करण्याची सुरुवात बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली आहे। दीक्षाभूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में स्थित इस पवित्र स्थान पर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। त्रिशरण, पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञा देकर डॉक्टर आम्बेडकर ने हिन्दू दलितों का धर्म परिवर्तन किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने यह दिन बौद्ध धर्म दीक्षा के लिए इसीलिए भी चुना था क्योंकि इसी दिन ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से यह दिवस इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में माना जाता है। ये दीक्षाभूमि बाबासाहेब आंबेडकर ने आज से 66 साल पहले यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिन किया था। जो हिंदुइज्म में जो लोग इंसानियत खो चुके थे, ऐसे लोगों को इंसानियत दिलवाने के लिए बाबासाहेब आंबेडकर ने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिया, जिसमें 22 प्रतिज्ञा आज जो बड़ी चर्चा देश में चल रही, उस 22 प्रतिज्ञा इसी जगह बाबासाहेब आंबेडकर ने दी और तथागत बुद्ध का मार्ग दिया, जो 2500 साल पहले सम्राट अशोक जो एक राजा थे और सम्राट अशोक ने इसका जो बड़े पैमाने पर राजाश्रय दिया था और पूरे देश में वर्ल्ड में अधिकतर यानी भारत के बाहर के भी जो देश है आज जो जिसको उस वक्त जम्बूद्वीप कहा जाता था तो उसमें मानवता का झंडा लहराने का काम उन्होंने किया था। तो हम समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की जो आज हम बात करते 66 साल के बाद में, ये भारत के संविधान में है और भारत का संविधान ही सर्वोत्कृष्ट है और सर्वोच्च है। अगर भारत के संविधान को अगर हमें अमल में लाना है
तो भारत बौद्धमय हो सकता, भारत बौद्धमय करना है तो तथागत बुद्ध के विचार, मानवता के विचार, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, इस मूल्य को प्रसारित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का, तथागत बुद्ध का मार्ग, फुले शाहू अम्बेडकर, जो भी महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों का स्मरण करने यहाँ बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में आज जो लोग यहाँ दिख रहे इधर उधर, तो ये उनको अभिवादन करने, उनको नतमस्तक करने आए हैं। बौद्ध धर्म विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, एक ऐसा धर्म जो पूर्णता विज्ञान और अनुभूति पर खरा उतरता है। विश्व में लगभग 180 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। शांति का संदेश देने वाले इस धर्म ने सभी को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है और सभी के मंगल की कामना की है, और दीक्षा भूमि संपूर्ण विश्व के लिए त्याग, शांति और मानवता का प्रेरणा स्रोत है। शरणं गच्छामि।